हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल। और मैं हूं कांक्षा। आज के इस वीडियो में मैं प्लम न्यू लॉन्च ग्रीन टी 10% AHA 5% PHA एंड 0.5% BHA एक्सफोलिएटिंग पील का रिव्यू आपके लिए लेके आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इसे आपको कैसे यूज करना है और किन किन बातों को इसे यूज करते टाइम और इसे यूज करने के बाद आपको ध्यान रखने की जरूरत है। AHA, BHA एंड PHA हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को सरफेस लेवल पे और अंदर से एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं। एक्सफोलिएशन आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन पे डेड स्किन सेल का जमा होना एक नेचुरल प्रोसेस है और डेड स्किन सेल की वजह से ही आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और आपको व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, माइल्ड एक्ने, मॉडरेट एक्ने और इवन कभी कभी सिस्टिक एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको हमेशा अपनी स्किन को केमिकली पील रात में करना है। अपने फेस को क्लीन करने के बाद अच्छे से जेंटली उसे ड्राई कर लें और ड्राई फेस पे आपको पीलिंग सॉल्यूशन की एक थिक लेयर लगानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्किन पे कुछ एक्टिव एक्ने हैं और कुछ पिगमेंटेशन आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे। केमिकल पील की खास बात यह है कि इवन अगर आपकी स्किन पे कुछ एक्टिव एक्ने भी हैं तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ डेड स्किन सेल को ही नहीं निकालता, इवन एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए, ओपन पोर्स के लिए, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स में भी ये आपकी हेल्प करता है। लेकिन केमिकल पील के असर देखने में आपको मिनिमम 3 डेज लगते हैं, तो आपको इस पीलिंग सॉल्यूशन को ड्रॉपर की हेल्प से अपने हाथ पे ले लेना है रिक्वायर्ड अमाउंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया थिक लेयर लगानी है तो कम से कम भी 3 से 4 पंप लग जाएंगे पूरे फेस को कवर करने के लिए। ये आपको जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी में मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत इजीली आपकी स्किन पे स्प्रेड हो जाता है। ये एक बिगनर फ्रेंडली एक्सफोलिएटिंग पील है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा लो है और बिगनर्स को ध्यान में रख के ही ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। केमिकल पील फिजिकल स्क्रब की तरह सिर्फ आपके ब्लैक हेड्स और आपको स्मूथ स्किन देने के लिए ही नहीं होता, ये आपके कई सारे स्किन कंसर्न को ट्रीट करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, एक्सेस सीबम और एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है, बैलेंस करता है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है, इसके साथ साथ ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट BHA ऑयल सोल्यूबल एक एक्सफोलिएटिंग एसिड होता है जो पोर्स को पेंट्रिएट करता है और जितनी भी डेड स्किन सेल्स आपके पोर्स में जमा हो गए, जितना भी डर्ट पोल्यूशन पोर्स में आपके इकट्ठा हो गया है, उसे ये डिसॉल्व कर देता है। अगर आप केमिकल पील वीकली यूज करेंगे तो आपको अपनी स्किन में अलग से ग्लो दिखाई देगा और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और बहुत सारे कॉमन स्किन इश्यूज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये जो केमिकल पील है इसकी फॉर्मुलेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इतनी अच्छी फॉर्मुलेशन इस पीलिंग सॉल्यूशन से पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ मिनिमलिस्ट के पीलिंग सॉल्यूशन की लगी थी। इसमें जो AHA है वो 5 नेचुरल फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जैसे कि शुगर केन, ऑरेंज, लेमन, बिलबरी एंड शुगर मैपल। इसमें सिर्फ 0.5% सैलिसिलिक एसिड है, यानी कि BHA है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए एकदम परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। और इवन अगर आप केमिकल पील पहली बार यूज करने वाले हैं तब भी आपको इस पीलिंग सॉल्यूशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें 5% PHA यूज किया गया है। PHA वाटर सोल्यूबल एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं AHAs की तरह, लेकिन ये AHA से ज्यादा जेंटल और सेफ होते हैं। ये सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं। ये आपकी स्किन को कोलेजन ब्रेकडाउन एंड सन डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। AHA, BHA एंड PHA के अलावा ये पहला ऐसा पीलिंग सॉल्यूशन है जिसमें आपको 1% नार्सिनेमाइड एंड इसके साथ साथ लिकोरिस भी मिल रहा है। नार्सिनेमाइड एंड लिकोरिस एक्सट्रैक्ट एक्सफोलिएशन के साथ साथ जो जिद्दी डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस आपकी स्किन पे है उसे रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपको इस पीलिंग सॉल्यूशन को 10 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करना है। बाकी पीलिंग सॉल्यूशन की तरह ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता, बिल्कुल भी आपको ईची या फिर जलन जैसा फील नहीं होता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, एकदम पहली बार यूज करने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको हल्का सा स्टिंगलिंग इफेक्ट अपने फेस पे फील हो। इसे अप्लाई करने के 10 मिनट बाद हल्का सा हो सकता है आपका फेस रेड हो जाए। 10 मिनट के बाद आपको इस पीलिंग सॉल्यूशन को ठंडे पानी से धो देना है, ठंडे पानी से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। अपनी स्किन को केमिकली पील करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रात में एक बेसिक मॉइस्चराइजर एंड फेशियल ऑयल अप्लाई करना चाहिए।
पीलिंग के बाद आपको कम से कम भी 2 दिन तक अपनी स्किन पे विटामिन सी, रेटिनॉल एंड AHA, BHA लगाना अवॉइड करना चाहिए। आप इसके बाद हलोरॉनिक एसिड यूज कर सकते हैं। मेरे पास जितने भी मॉइस्चराइजर अभी हैं उनमें कोई ना कोई स्किन केयर एक्टिव ही है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वालेन ऑयल अभी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि स्क्वालेन बाकी ऑयल्स की तरह आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है और हाइड्रेशन को आपकी स्किन में लॉक करने में हेल्प करता है। केमिकल पील के बाद आपको अपनी स्किन के साथ एक्स्ट्रा जेंटल होने की जरूरत है। इसकी रिजल्ट्स हो सकता है आपको इमीडिएटली दिखाई ना दे, लेकिन विद इन 3 डेज आपको अपनी स्किन में अलग से ग्लो और आपकी स्किन ज्यादा स्मूथ लगेगी। इस पील के बाद अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, नहीं तो सन की हार्मफुल यूवी रेज आपकी स्किन को एक्चुअली डैमेज कर देंगी। तो केमिकल पील के बाद आपकी स्किन को थोड़े से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, एटलीस्ट 2 दिन तक। इसकी फॉर्मुलेशन को देखते हुए ये प्रोडक्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। आपको इसे सिर्फ वीक में एक बार यूज करना है और मैं 3 वीक के बाद अपना रिवाइज्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी।